नेचुरल गैस रिवर्स होगी या अभी और मंदी बाकी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मार्केट बहुत ही रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। इस हफ्ते जो नेचुरल गैस की स्टोरेज आई वो थोड़ी बड़ी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा थी। उसके चलते एक सेलिंग प्रेशर हमें नेचुरल गैस पे देखने को मिला और वो केवल स्टोरेज के कारण ही था। अदरवाइज आप देखो, जो जैसी टाइप की स्टोरेज हमें देखने को मिल रही है उसी का रिएक्शन हमें चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, मंडे को ट्यूसडे को किस डायरेक्शन में नेचुरल गैस जा सकती है? ध्यान से देखो, नेचुरल गैस एक बुलिश चैनल में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, एमसीएक्स नेचुरल गैस, और एक्सएनजी यूएसडी भी देखो तो एक बुलिश चैनल में हमें ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट्स पे क्या हो रहा है, हायर हाइज फॉर्मेशन तो हो रही है बट ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, रेसिस्टेंस एक हमें फॉल देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी तो मैंने आपको बताया भी था, मार्केट में जब ये लेवल क्रॉस करेगा 185 रुपीज का इंडियन मार्केट में, तो 191-195 रुपीज का टारगेट अचीव होगा। तो फर्स्ट और सेकंड टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दिए, थर्ड टारगेट अभी भी पेंडिंग है और वो बना रह सकता है अभी भी, ठीक है? तो ये टारगेट अचीव करके फिर एक हमें फॉल देखने को मिला। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सारी अपडेट्स आप तक तुरंत यूट्यूब पे पहुंच सके। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इमीडिएट वीडियो मिल जाती है। जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं वो कमोडिटी मास्टरी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जब आप कमोडिटी मास्टरी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाता है, इसमें A to Z ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग मिल जाता है। तो इसमें आप पूरा सीखेंगे, कमोडिटी का A to Z तीनों कोर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन स्टडी, टेक्निकल एनालिसिस, कैसे इंटरनेशनल मार्केट का डेटा एनालिसिस करना है, न्यूज एंड इन्वेंट्री एनालिसिस। तो बेहतर है आप चीजें सीख कर ट्रेड करें, बार बार लॉस करने से बेहतर है आप व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, मैं यहाँ फंस गया वहां फंस गया, तो इस टाइप की चीजें ना करें। और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करो, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर ऐसा ही होगा। भाई मारो, मुझे मारो मारो, नहीं मुझे नहीं मारो यार, मारो। अवसर नहीं, रखो। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस जून फ्यूचर की। 15 मिनट के चार्ट पे हम आ गए। 15 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे आप ये बुलिश चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा फॉल हमें यहाँ से दिखाई दिया 193 रुपीज के आसपास। एक फॉल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुलिश चैनल में, जो ये ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। तो हायर हाई फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ओवरऑल अप ट्रेंड में है, सपोर्ट ले रहा और हायर लोज बन रहे हैं मार्केट। ये भी हायर लोज है, लो है, लो है, ये वाला लो प्रीवियस लो से हायर। तो पिक्चर ये तो क्लियर हो रही है, 15 मिनट के चार्ट पे चल तो रहा है ऊपर नीचे चल रहा है, बट चल रहा है अप ट्रेंड में ही। तो सपोर्ट पे यहाँ कहीं आप बाई की पोजिशन बना के चल सकते हैं, अगर प्राइस एक्शन मिल जाता है उसमें। तो प्राइस एक्शन आपको कहाँ देखना है, आपको देखना है 186 रुपीज के आसपास प्राइस एक्शन देखना है इस जगह। अब ये चैनल ये चल रहा है, चैनल के लिए थोड़ा सा मैं ये बफर रेंज भी मान लेता हूँ, इतना लगभग 185 रुपीज के आसपास, 185 से 186 की रेंज में मान के चल। इस जगह आपको प्राइस एक्शन मिल जाता है तो आप बाई की पोजीशन ऊपर की तरफ बना सकते हैं स्टॉप लॉस लेके। टारगेट कहाँ तक के रखें, टारगेट ऊपर की तरफ, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं 1 से 2 पॉइंट तक का टारगेट आप आराम से रख के चले। अदरवाइज फर्स्ट टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है 189 4 पॉइंट्स का अप्रोक्स, 193 196 और 199 रुपीज तक जा सकता है, बट इम्पोर्टेंट हर्डल ये है 193 मार्केट के लिए। अब 193 क्रॉस करेगा तो और ऊपर जाएगा, अदरवाइज हो सकता है यहाँ तक आए और फिर यहाँ पे प्राइस सेक्शन दिखा के आपको फिर शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाए मार्केट में नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, प्राइस सेक्शन बना के ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर ऐसे ही ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अगर मार्केट ये लेवल भी ब्रेक कर देता है 184 रुपीज का, जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है 184 रुपीज, 184 भी काट के नीचे उतरता है तो कहां तक जाएगा, नीचे की तरफ एक लेवल दिखाई दे रहा है 180 रुपीज का और 177 रुपीज का लेवल दिखाई दे रहा है।
अगर ये ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से सस्टेन हो जाता है 184 रुपीज से नीचे, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें, चीजें सीख कर ट्रेडिंग करें, चार्ट पलट जाता है, न्यूज टाइम टू टाइम आती रहती है। न्यूज और फॉरेक्स पे आप निगाह बना के रखें किस टाइप की मूवमेंट मार्केट में हो रही है। जब ये लेवल क्रॉस करेगा 193 रुपीज के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भी आप फ्रेश बाई की पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 196 199 रुपीज के लेवल आपको देखने को मिल सकते, तो एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है 199 और 177 नीचे की तरफ, ऊपर 199। तो जब नीचे की तरफ 177 तोड़ेगा तो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं मार्केट में, और 199 ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी। तो ये एक बड़ी पिक्चर निकल के आ रही है। छोटी रेंज जो मैंने आपको बताई, छोटी रेंज मैं बताऊं 193 से 185 की एक छोटी रेंज निकल के आ रही है। बुलिश चैनल में चल रहा है तो आप कोशिश करिए बाय की ही पोजीशन मार्केट में बना के चले, शॉर्ट ना करें मार्केट को नीचे के लेवल्स पे, ठीक है? क्योंकि कई बार ब्रेकआउट भी होता है फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो कोशिश करें मार्केट में ब्रेकआउट हो भी रहा है तो पहले सोचने, हो सकता है ये फेक आउट हो, ब्रेकआउट ना हो, फंसाने की कोशिश हो, मार्केट फिर रिवर्स हो रहा है तो ऊपर निकले। अब बात करें एक्सचेंजी यूएसडी की, एक्सचेंजी यूएसडी भी बुलिश चैनल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग इंडिया से भाग के मार्केट में ट्रेड करते हैं, डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ ऑडियंस नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, दुबई की भी है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये भी मार्केट हायर हाईज बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है, हायर हाईज फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि ओवरऑल हायर लोज बन रहे हैं। अप ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ भी आपको प्राइस एक्शन इस जगह मिल जाता है, 2.282 के ऊपर प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो ओवरऑल बाई की पोजिशन बनाई जा सकती है। कहाँ तक के टारगेट रखे हैं मार्केट में, मार्केट में आपको टारगेट रखने हैं, ये 1 आवर का मैंने चार्ट लगा रखा है, इसको मैं अभी फिलहाल चेंज कर देता हूँ, 15 मिनट्स कर देते हैं, 15 मिनट्स पे थोड़ी पिक्चर और क्लियर आपको होती हुई दिखाई देगी। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मिनट्स के चार्ट पे कुछ लेवल्स मैंने निकाल रखे हैं। फर्स्ट लेवल टारगेट ये दिखाई दे रहा है 2.384 रुपीज का, सेकंड टारगेट ये आ रहा है 2.422 का, और जो लोग यहाँ बाई की पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे प्राइस सेक्शन अगर आपको मिल जाता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ के लेवल आपको मैंने ऑलरेडी दे दिए। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, छोटा मोटा टारगेट रखते हैं, तो कहाँ तक के आप टारगेट रखो, एक टारगेट आपको ये भी मिल जाएगा जहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिला था मार्केट में, लगभग 2.34 रुपीज के आसपास, ठीक है? तो यहाँ तक का भी फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं। मंदी कहाँ करें, मंदी इस लेवल के नीचे आप कर सकते हैं, 2.281 के नीचे मंदी करी जा सकती है, क्योंकि ये बुलिश चैनल में चल रहा है, ये ब्रेक करेगा, सस्टेन कर जाता है 2.281 के नीचे अगर, तो नीचे की तरफ कहाँ तक जाएगा, नीचे की तरफ थोड़ा और मंदा फिर हो जाएगा भैया। नीचे की तरफ के लेवल्स आप नोट करें, कहाँ तक के लेवल मिल सकते हैं, मैंने लेवल मार्क भी कर रखा है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2.230 अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, और 2.179। अब इसकी भी मैं ऊपर की और नीचे की एक बड़ी रेंज आपको बता देता हूँ, नीचे की जो रेंज मुझे दिखाई दे रही है वो रेंज यही है 2.179, नीचे की रेंज है, और ऊपर की तरफ जो रेंज है 2.50, 2.50 ऊपर की रेंज है, इसके ऊपर 2.50 के ऊपर बहुत तेजी, 2.17 के नीचे बहुत मंदी फिर देखने को मिली। तो ऐसा तभी होगा मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आती है, इन्वेंट्री बहुत खराब आ जाती है नेक्स्ट वीक, तो इन लेवल्स पे निगाह बनाए रखें और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें, सीख कर ट्रेडिंग करें, बिल्कुल भी ऐसे हाथ ना डालें मार्केट में, अदरवाइज सब आप जुए की तरह ट्रेड करोगे। तो प्रॉपर तरीके से चार्ट का एनालिसिस करें, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें मार्केट में, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich.